डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आपने पिछले दो वीडियो आपने देखे होंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट के थे, यूनिट नंबर फोर्थ के। आपके समझ में आ गया होगा, कुछ क्वेश्चन आपने किए होंगे। अगर वो क्वेश्चन में डाउट रहता है तो क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो, कौन सा क्वेश्चन डाउट रहता है बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर टू की। चैप्टर नंबर टू है वो भी फोर्थ यूनिट के अंदर ही है। इस फोर्थ यूनिट के अंदर तीन चैप्टर है, मैंने बता दिया पहले ही। अब बात करते हैं, इसमें चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हम प्रयोग यहाँ देखेंगे, इसका प्रयोग। तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन आती है, एक तो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है, एक इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम। एक तो इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम, एक होती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है वो भी हम इसमें देख लेंगे, और इसी के बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम जो मेथड रहेगा वो अलग मेथड रहेगा, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेथड है वो अलग रहेगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से हमें पता लगेगा कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का है या फिर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ है, इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए। एक तो इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम पता होनी चाहिए किस प्रकार की होती है, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमें पता होनी चाहिए कि किस प्रकार की होती है। साथ ही साथ इसके बाद में इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम किस प्रकार से, किस मेथड से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो मेथड भी अगर पता रहेगा तभी हम एग्जाम में इसको कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखना इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, हम डेफिनेशन देखते हैं, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। वेन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू बी सॉल्वड अंडर कंडीशन, जो हमारे पास में कंडीशन दी हुई है इसको सॉल्व करने के बाद में, इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव एट द सेम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारे पास में फंक्शन निकल के आएगा वो और उसका डेरिवेटिव एट द सेम वैल्यू, उनकी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास में सेम होनी चाहिए। जैसे हमारे पास में कोई एग्जांपल देखता हूं मैं आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास में कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास y और x इक्वल टू कुछ ना कुछ मान हमारे पास में निकल कर आएगा। डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो हमारे पास में एक फंक्शन है y ऑफ x, ये इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास कुछ ना कुछ फंक्शन निकल कर आएगा। उस फंक्शन के बाद में दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास में बाउंड्री वैल्यू दी हुई हो या फिर इनिशियली वैल्यू दी हुई हो। हमारे पास यहाँ पे इनिशियली वैल्यू अगर आप समझ रहे हैं तो इनिशियली वैल्यू को समझने के लिए आपसे ध्यान रखना, इनिशियली वैल्यू होती क्या है, इनिशियली वैल्यू हमारे पास में फंक्शन निकल के आएगा उसका मान y ऑफ x, इसका मान और इसके डेरिवेटिव का मान y डैश x, इसका डेरिवेटिव पर मान y डैश जीरो का मान। अब इसका मान जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, यानी कि कुछ भी इसका मान निकल कर आ सकता है। तो यहाँ पे जो हम मान पुट करेंगे x का मान, वो दोनों का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। y ऑफ x का मान यहाँ पे और y डैश x इसका मान जो पुट करेंगे, इन दोनों का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन में अगर हमारे पास सेम दी हुई है, ये कंडीशन ध्यान रखना है, यहाँ पे y ऑफ जीरो का मान जीरो या कुछ और भी हो सकता है, y डैश ऑफ जीरो का मान वन टू जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पुट करेंगे x का मान वो दोनों में y ऑफ x और y डैश ऑफ x दोनों में हम क्या पुट करेंगे, सेम मान पुट करेंगे, जीरो जीरो या वन वन, जो हमारे पास कंडीशन दी हुई इसके अकॉर्डिंग ये मान दोनों में सेम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी वो आगे करवा देंगे, लेकिन कुछ देख लेना, वाई ऑफ जीरो देखना, वाई ऑफ ए का मान कुछ हो सकता है और वाई ऑफ बी का मान भी यहाँ पे कुछ हो सकता है, यानी इनका दोनों का मान क्या है अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब बात करते हैं इसका मेथड क्या रहता है, इसका मेथड क्या रहेगा। इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम इस प्रकार से कंडीशन दी होगी, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए इक्वेशन दी होगी, तो इनको सॉल्व करने का मेथड, तो मेथड टू कन्वर्टिंग इन इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास कोई मेथड रहेगा तो इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम दी रहेगी इस प्रकार से, टू ए वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, तो उसको वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन किस प्रकार से चेंज करते हैं। अब वोलेटा इंटीग्रल इक्वेशन मैंने बताया कि किस प्रकार की होती है, उस टाइप से हमारे पास में निकल कर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस प्रकार से मेथड टू कन्वर्टिंग इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम टू ए वोलेटा इंटीग्रल इक्वेशन, तो इसको किस प्रकार से दे, इसमें किस प्रकार की इक्वेशन दी होगी हमारे पास में, इस प्रकार का इसमें
एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन ओ एक्स डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस, इस प्रकार से ये चलता रहेगा और यहाँ पे इसका मान आएगा कितना ए की पावर एन एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ मान निकल कर आए। इस मान में किस प्रकार, इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन दी रहेगी वो सेकेंड ऑर्डर की यहाँ तक भी हो सकते हैं, एन का मान टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि एन का मान कुछ भी हो सकता है। और इसमें जो कंडीशन दी हुई होगी वो हमारे पास में वाई ऑफ ए इक्वल टू जीरो और वाई ऑफ ए इक्वल टू सी वन इसका मान दिया हुआ रहेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों का मान देंगे, इस प्रकार से हमारे पास कंडीशन दी हुई रहेगी क्वेश्चन के अंदर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो मेथड रहेगा जो हाईएस्ट जो ऑर्डर है हमारे पास में डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसको हम लेट करेंगे। इसको हम क्या लेट करेंगे, देखना यहाँ पे देखना आप डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन को हम जी ऑफ एक्स या कोई अन्य कोई भी जो फंक्शन है उनको वो लेट कर लेंगे और यहां से फिर इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यहां से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट क्या रहेगी हमारे पास में जीरो टू एक्स जो इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट रखते हैं डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इक्वल टू जी ऑफ एक्स रहेगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट जो ऑर्डर रहेगा उसको हम लेट करेंगे जी ऑफ एक्स। ठीक है, और उसके बाद में हम उसी का क्या करेंगे हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे है इसमें क्या मानेंगे हम क्या लेट करेंगे इसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लेट करेंगे जी एक्स लेट करेंगे। तो हम चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं या आप नोट कर सकते हो, क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को देखना किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना कन्वर्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास में क्या दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन, इसको हमने इंटीग्रल इक्वेशन में क्या करना है इसको चेंज करना है, यानी कि वोलेटर जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो किस टाइप के चार पांच टाइप थे उसके, तो जो भी टाइप थे किस टाइप में ये इंटीग्रल इक्वेशन चेंज होगी। अब देखने हम पहले सबसे पहले क्या देखेंगे इसकी कंडीशन देखेंगे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मेथड लगा पाएंगे। तो हमारे पास ये देखना जीरो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान भी जीरो दिया हुआ है, यानी कि कौन सी कंडीशन है इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास ने दी हुई है। इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसके हाईएस्ट ऑर्डर को क्या करेंगे हम लेट करेंगे। तो हमारे पास में क्या है हमारे पास में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या दी हुई है हमारे पास में, यहां देखते हैं इसका मान डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो हमारे पास में दी है इसका समीकरण नंबर ए। ये हमारे पास हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डर कितना दे रखा है इसमें हमारे पास में टू इसका ऑर्डर दे रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका टू। तो हाईएस्ट ऑर्डर को क्या करते हैं हम लेट करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर, इसी को हम एक नंबर दे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में ये भी देख लेना हमारे पास में कंडीशन क्या दी हुई है उस कंडीशन को भी आप लिख लेना। तो इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम दी है उसको भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिख लेंगे। तो वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो भी और वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू इसका मान कितना है वन हमारे पास में दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट जीरो टू एक्स, इसकी लिमिट क्या रहेगी हर एक क्वेश्चन में लिमिट क्या लिखनी है आपको जीरो से एक्स इसकी लिमिट रखनी है।
ठीक है, आपको क्या है ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन जो एक इसका इंटीग्रेशन इनके विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष ये ध्यान रखना एक्स है, एंड लिमिट बिटवीन भी लिख सकते हो, लिमिट है इसकी जीरो टू एक्स की लिमिट है। जैसे आप इसको डिप्रेजेंट करोगे जो भी इसका डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा। देखना अगर हमारे पास इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर इसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है इसका जब भी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो एक ऑर्डर यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इसका बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको वाई डेस ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखना इसको y डैश ऑफ x लिमिट क्या आती है हमारे पास में जीरो टू x दे रखी थी, और यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन आएगा जीरो टू x लिमिट रहेगी, ये जो फंक्शन है इसका हमें पता नहीं तो क्या इसका डिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब g ऑफ x और dx ये हमारे पास में आएगा, अब यहाँ पे लिमिट दे रखी है तो हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे जो इनडेफिनेट और डेफिनेट जो इंटीग्रेशन है तो हमारे पास में ये कौन सा आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हमें सीधा मान याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे आप चाहो तो इसका मान सी का मान निकाल भी सकते हो, जैसे यहाँ पे सी पुट करोगे सी वन, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन लगाओगे वापस दो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन तो यहाँ पे सी का मान क्या आएगा जीरो आएगा। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यही फर्क रहता है, जो लिमिट लगाते तो वापस का मान क्या रहता है जीरो आ जाता है। तो यहाँ देखना इसको हम क्या चेंज करेंगे जीरो टू एक्स जीरो पर डी एक्स को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे लिमिट तो ये रहेगी जीरो टू एक्स, लेकिन यहाँ जो एक्स है उसको हम टी में चेंज करेंगे जीरो टी डी टी, ये इसका मेथड। ठीक है, इसके बाद में हम रखेंगे यहाँ पे वाई डेज एक्स माइनस वाई डेज ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो टू एक्स रहेगा और जी ओ टी डी टी इसका मान रहेगा वाई डेज एक्स माइनस वाई डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो टू एक्स जी ऑफ टी डी टी। अब हमारे पास में वाई डैश ऑफ जीरो का मान कितना दिया हुआ है, वाई डैश ऑफ जीरो का मान जो हमारे पास कंडीशन दे रखी थी वहां से देखना वाई डैश ऑफ जीरो का मान, वाई डैश ऑफ जीरो का मान वन दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट इससे आगे वाला पार्ट रहेगा हमारे पास में वाई डैश एक्स इक्वल टू मैं इस वाई डैश ऑफ जीरो को इस साइड लेकर आऊंगा और इस साइड रहेगा तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मान कितना रहेगा वन, तो वन प्लस जीरो टू एक्स जी ओ टी डी टी इसका मान रहे सी वन और सी टू आप लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते, जैसे आप फाइनल में जो इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम या कंडीशन यूज करोगे तो सी वन सी टू का मान क्या रहेगा जीरो रहेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको इस प्रकार से करा देता हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपको सी वन और सी टू ये दोनों यूज करके भी बता दूंगा कि इस प्रकार से यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका मान कितना आएगा ये आएगा, और इसको क्वेश्चन नंबर क्या देंगे टू नाम y dash of x equal to 1 plus 0 to x g of t dt का मान रहेगा। अब इक्वेशन नंबर 2 तो ये एक बार इतना देख लो इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं, ऊपर मिटा रहा हूं मैं ध्यान रखना। अब हमारे पास में जो रहेगा यानी कि सेम हम क्या करेंगे ये जो वापस से रिपीट प्रोसेस करेंगे तो इंटीग्रेटिंग अगेन अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन टू, पहले कहते हैं आप इक्वेशन वन टी अब इक्वेशन टू है विद रिस्पेक्ट टू x एंड लिमिट्स इसकी रहेगी जीरो टू x इसकी लिमिट रहेगी। इसका आप फिर से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से y डैश x इस प्रकार से है तो dy वाई अपॉन डी एक्स, और इसका हम जैसे अक्सर सापेक्ष क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते तो ये वाला पार्ट रख के हमारे पास जाता है y मिलता है हमारे पास में, तो इसी प्रकार से इसका मान क्या रहेगा हमारे पास में y ऑफ x और लिमिट क्या रहेगी इसकी जीरो टू x
इक्वल में क्या रहेगा हमारे पास में, जब इसका वन का करेंगे तो हम क्या रहेगा हमारे पास में एक्स हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या रहेगी जीरो टू एक्स प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या रहता है हमारे पास में, इंटीग्रेशन इसका किस प्रकार से होता है ये देखना। लिमिट रहेगी जीरो टू एक्स, फंक्शन ऐसा का ऐसा रहेगा जीओ टी। इसका जो तो इंटीग्रेशन होगा वो डी टी स्क्वायर आएगा हमारे पास में, यहाँ पे क्या आएगा डी टी स्क्वायर है। और इसको किस प्रकार से ओपन करते हैं वो पिछली वीडियो मैंने नहीं बताया था, मैं आपको बता दूंगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा दूंगा। इसको किस प्रकार से जब एन इंटीग्रेशन दे रखे हो हमारे पास में, तो इसको लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो, तो इस प्रकार से जीरो टू एक्स जी ओ टी डी टी ये हमारे पास में रहेगा। एक बार आप इसको समझ लो, नेक्स्ट इसके लास्ट वीडियो के लास्ट में इसको आप वो इंटीग्रेशन किस प्रकार से आप इसको चेंज करते हो वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से देखना है वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स, एक्स का मान जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा हमारे पास में, प्लस जीरो टू एक्स। इसको ओपन करते हैं हम एक्स माइनस टी, ठीक है एक्स माइनस टी, और इसकी पावर माइनस एक कम करते हैं, तो यहाँ से टू में से एक कम करेंगे तो हमारे पास वन रहेगी, और जी ओ टी डी टी हमारे पास में रहेगा। अब यहाँ से देखना, जैसे हम इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पे यूज करेंगे, इसका मान कितना दे रखा है हमारे पास में जीरो दे रखा था, वाई ऑफ जीरो का मान कितना दे रखा था हमारे पास में जीरो दे रखा, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जीरो टू एक्स और एक्स माइनस टी जी ओ टी डी टी ये हमारे पास में क्या दी है इंटीग्रल इक्वेशन दी है। जैसे ही वो अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास में सी वन आता देखना, वो भी मैं आपको सी वन सी टू लगा के भी बता देता हूँ। हमारे पास में यहाँ पे आप लगाते हैं प्लस सी वन, ठीक है प्लस सी वन लगाते हैं तो इसका मान कितना रहेगा हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू, आप क्या पुट करोगे जीरो, ठीक है एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे यहाँ पे, सी वन मैंने यहाँ पे लगा दिया देखना, सी वन एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, लिमिट कंडीशन दे रखी थी हमारे पास में वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो और वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन। यहाँ आपने हमें जीरो पुट किया तो इन दोनों का मान सेम है जीरो गया, और जीरो टू यहाँ पे जीरो पुट करेगा, तो अगर किसी भी इंटीग्रेशन की अगर लिमिट दोनों सेम रहती है तो वो इंटीग्रेशन का मान क्या रहता है जीरो रहता है, या फंक्शन का मान जीरो हो तो भी इंटीग्रेशन क्या रहता है जीरो रहता है, तो यहाँ से भी जीरो हो गया, यानी कि सी वन इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में जीरो लिमिट। अब यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ अगर आप सी टू यूज करोगे, अब देखना यहाँ पे मैंने क्या किया सी टू यूज कर दिया प्लस का सी टू यहाँ पे यूज किया, जैसे मैंने यहाँ पे सी टू यूज किया तो यहाँ पे अब मैं लिमिट लगाऊंगा, तो यहाँ से जीरो पुट करूंगा, जीरो पुट करूँ वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ जीरो दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे जीरो और जीरो टू एक्स यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी कि सी टू भी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा जीरो रहेगा। तो यहाँ से सी टू सी वन और सी टू आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे पास आंसर चाहिए था वो किसी में चाहिए था जीरो पर एक्स इक्वल चाहिए था, जब हमने शुरू में स्टार्टिंग में लेट किया था जीओ पक्स इक्वल टू क्या किया था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेट किया था, ठीक है इसको हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। अब यहाँ से इक्वेशन क्या दे रखी थी हमारे पास में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ से जीओ पक्स का मान रखेंगे तो जी ओ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है अब यहाँ से जीओ पक्स का मान कितना मिल रहा है हमारे पास में, यानी कि वाई का मान कितना मिल रहा है माइनस का जीओ एक्स, यहाँ पे वाई है वो वाई ऑफ एक्स है, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का जी ऑफ एक्स, ठीक है ये मान हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मान कितना रहेगा देखना, यहाँ पे देखना वाई ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का जी एक्स, यानी कि माइनस का जी ऑफ एक्स, ठीक है माइनस का जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी जी ऑफ टी डी टी, या तो ये का आंसर रह सकता है आपने, या फिर इस माइनस को स्टार्ट क्या कर रखा हो आपके पास मल्टीप्लिकेशन कर रखा हो, यानी कि तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस जीरो टू एक्स और एक्स माइनस का टी जी ऑफ टी डी टी ये भी आंसर हो सकता है, या यहाँ पे एक्स माइनस टी में से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये दोनों तीनों का आंसर आप देख सकते हो, इसको कैसे रखोगे आप वाई ऑफ एक्स को जो लेट करोगे वहां पे आप इसका मान रखोगे तो हमारे पास वहां से आपको क्या मिलेगा वाई ऑफ एक्स का मान निकल कर आ जाएगा, वो मान वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन भी, दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन भी है 2018 में, और इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक करना है आपको। अब देखना फ्रॉम एंड इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास में क्या करना है, इंटीग्रल इक्वेशन में इसको क्या करना है, चेंज करना है। कोरस्पोंडिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो विथ द इनिशियली कंडीशन, इनिशियली कंडीशन वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है और वाई डेज ऑफ वन इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में हम सी वन सी टू भी लेकर चलेंगे, तो वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। C1 कॉन्स्टेंट जो मान है वो किस प्रकार से निकाल के कर सकते हो, या आप डायरेक्टली देख सकते हो, डायरेक्ट इसमें लिखा है, इसमें मैं आपको लेकर भी बता दूंगा किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करोगे। फ्रॉम एन इंटीग्रल इक्वेशन क्रॉसपोर्टिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास में सबसे पहले क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार का जो साइन है वो मैं इक्वेशन को डिनोट करता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ध्यान रखना हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर हमने एक नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम कंसिडर करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, मैंने क्या बताया था कि इस प्रकार का जो मेथड है इसमें कौन सी कंडीशन दी है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन है, जो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है y ऑफ जीरो और y डैश ऑफ जीरो इसका मान क्या है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कंडीशन है, इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, गिवन डिफरेंशियल यहाँ पे जो y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, y डैश ऑफ जीरो यहाँ पे जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, इसका मान जीरो है। शायद मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन है और y डैश ऑफ इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन है और y डैश ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे दोनों का मान क्या है सेम है, तो दोनों क्या दे रखी है हमारे पास में इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है, इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसको हम क्या करते हैं लेट करेंगे इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग। कंसिडर यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ एक्स समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर टू का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, और इसकी जो बिटवीन लिमिट रहेगी, बिटवीन लिमिट जो रहेगी इसकी कहां से कहां तक रहेगी, जीरो टू एक्स, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू इसके सापेक्ष करेंगे हम, एक्स के सापेक्ष की करेंगे, सब में ये लाइन है इतना सभी में कॉमन रहेगा, इतना आप ध्यान रखना। इसके बाद में जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन के डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएंट है, तो इसका एक ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में यहाँ जो बनेगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा और इसकी जो लिमिट रहेगी वो जीरो टू एक्स। मैं इसको इस प्रकार से भी देख सकता हूँ, जीरो टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना है इसको किस प्रकार से करोगे, जीरो है तो यहाँ से लिमिट रहेगी जीरो टू एक्स, और ये जो फंक्शन रहेगा हमारे पास में कैसा रहेगा, जीओ एक्स डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में साइन भी लगा लेता हूँ मैं सी वन, वो निकाल के बताऊंगा इसमें पूरा डिटेल से। जीरो टू एक्स जीओ एक्स डी एक्स प्लस सी वन है यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखना इसको किस में चेंज करना है, आपको किया था आपने एक्स में, लेकिन आपको इसको किस में चेंज करना है, जीरो टू एक्स और जी ऑफ टी डी टी में इसको आपको चेंज करना है प्लस सी वन, इसमें आपको इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे हम कंडीशन यूज लेंगे, हमारे पास में क्या है y डैश ऑफ जीरो पे जीरो है, यानी कि y डैश जीरो पर इसका मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी यहाँ से इसका जो मान रहेगा हमारे पास y डैश x माइनस का y डैश ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो टू x और
GOP DT + C1। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, C1। यहाँ से हम C1 का मान निकाल के देखते हैं, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे यानी Y′0 का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ पे भी हम अक्ष का मान अगर पुट करेंगे, देखना इस प्रकार से Y′0 माइनस का Y′0। मैंने अक्ष इक्वल टू क्या किया है, पुट जीरो पुट किया है, इक्वल टू 0 to 0 GOP DT + C1। जैसे ये मान पुट करता हूँ तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जिसकी भी लिमिट अगर सेम रहती है इंटीग्रेशन में तो वो भी क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से C1 का जो मान निकल कर आएगा हमारे पास में, C1 का जो मान आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, जीरो आएगा। और अगेन हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ से तो इसका इतना तो कंप्लीट करते हैं, देखना इसके आगे करेंगे तो यहाँ से इसका मान रखेंगे तो Y′x = इसका मान क्या रहेगा हमारे पास में, जीरो। और शिव का भी मान है क्या है हमारे पास में, जीरो है। यहाँ से 0 to x GOP DT, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आ रही है, सॉरी 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 है। Y′x = 0 to x GOP DT हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 है। आप हो तो कि सर ये इतना काम था नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन सेम था, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारे पास में अलग थी, मानूंगी यही करेंगे, लेकिन जो फाइनल जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास में, चेंज रहेगा। इतना काम कर लिया, इसको नोट आप कर सकते हो, नोट करने के बाद में दोबारा देखते हैं। अब देखना आप उसका क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 करना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस रहेगी, इक्वेशन नंबर 3 करेंगे तो यहाँ पे देखना, इक्वेशन नंबर 3 का हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से आपको दोबारा लिखना है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन लिखे आप क्या करोगे, इसको दोबारा करोगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इक्वेशन 3 बिटवीन लिमिट 0 to x विद रिस्पेक्ट टू x के साथ इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास में, Y(x) का मान कितना रहेगा, 0 to x रहेगा। और यहाँ से 0 to x GOP DT² + C2। अब यहाँ पे मैं इसको मान रखता हूँ तो Y(x) - Y(0) = 0 to x जी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, x माइनस टी, और इसको ओपन करने का जो फॉर्मूला है वो अभी नेक्स्ट बताता हूँ, अभी DT + C2। ये हमारे पास में रहा तो Y(0) का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, 1 दे रखा है। और Y(0) यहाँ पे भी मैं जैसे ही x = 0 पुट करूँगा तो यहाँ से Y(0 - Y(0) = 0 to 0 0 - T, तो यहाँ पे DT मैंने नहीं लिखा, GOP DT + C2। और यहाँ से भी हमारे पास में क्या रहेगा, GOP DT + C2। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे क्या आएगा, 0, और ये दोनों आपस में कटके ये भी 0, तो यहाँ से भी C2 का मान कितना रहेगा हमारे पास में, 0 रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ से भी हमारे पास C2 का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो Y(x) = 1 + 0 to x, यहाँ से क्या कर सकते हो, C2 = 0 कर सकते हो, ठीक है। 0 to x और x - T GOP DT हमारे पास में क्या रहेगी, इक्वेशन नंबर 4 रहेगी। अब इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में, पिछली बार हमने Y(x) का आया था, Y(x) से हमने मान, यहाँ से मान हमारे पास डायरेक्ट निकल लिया था GOP(x) का मान, ठीक है। लेकिन अब की बार हम मान नहीं निकाल सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे मान नहीं निकाल सकते, मान निकालना थोड़ा सा कठिन रहेगा, सारा मान इसमें पुट करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, यहाँ से D2y/dx² मान यहाँ पे पुट करेंगे, और dy/dx का मान ये रहा हमारे पास में, dy/dx का मान यहाँ पे पुट करेंगे, और y का मान ये रहा Y(x) का मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट, इतना देख लेना, इसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना रहेगा नेक्स्ट, देखना है इतना, ठीक है।
putting the value, putting the value equation number, इसका कितना नाम था, equation number 2, equation 3, equation number and equation 4 in equation 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का मान यहाँ पर रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर देखना d2y/dx² का मान कितना था, जीओ पल्स प्लस एक्स, और यहाँ पे था dy/dx का मान दिया 0 to x GOT dt प्लस y का मान कितना था, y पल्स का मान दिया था हमारे पास 1 प्लस 0 to x x minus का t और GOT dt इक्वल में हमारे पास में क्या है, 0 है, इक्वेशन नंबर 4। ये मान हमने यहाँ पे पुट किया है, कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, जियो डी टू वाई डी एक्स का मान यहाँ पुट किया है, x डी वाई पॉइंट डी एक्स का मान यहाँ पे पुट किया है और वाई एक्स का जो मान था वो यहाँ पे पुट किया है। तो अब देखना नेक्स्ट, जैसे आप इसको क्या करोगे, उसको साइड लेकर जाओगे, जियो पक्ष हमें पॉजिटिव चाहिए तो जियो ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा ये मान, तो माइनस का एक्स 0 to x GOT dt और ये रहेगा हमारे पास में माइनस का 1 आ रहा है तो माइनस को मान पहले ही रख लेता हूँ मैं इसको, माइनस का 1 और माइनस का एक्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये माइनस उस साइड जाए, 1 इस साइड जाएगा तो माइनस का रहेगा, माइनस मैंने पहले लिख लिया और माइनस इस वाले पद का GOT dt, ये भी क्या रहेगा हमारे पास माइनस 0 to x x minus t GOT dt, ठीक है। अब आप इसको एडजस्ट करो, यानी कि इसको कॉमन रहते हैं यहाँ से इक्वल टू माइनस का 1, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन वाला जो पार्ट है वो देखते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस के साथ ही हम कॉमन रख लेते हैं इन दोनों में से, तो माइनस बाहर रहेगा हमारे पास में, तो यहाँ से 0 to x GOT dt, सॉरी इसको में जो कॉमन रहेगा वो हाँ तो रहेगा हमारे पास में x, ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास में प्लस के साथ x माइनस का t, ये वाला पद ही हमारे पास में यहाँ पे कॉमन रहेगा और बाहर क्या रहेगा हमारे पास में GOT dt में रहेगा, यह x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से GOT dt वापस आ गया 0 to x, यानी कि 0 to x GOT dt, ठीक है, फिर ये ऐसा का ऐसा माइनस 12 रख लिया मैंने और GOT dt, यहाँ से क्या हो रहा है, ये 2x बन रहा है, x और x 2x बन रहा है, ये माइनस का t, तो यहाँ से GOT इक्वल टू माइनस का 1 माइनस 0 to x 2x minus का t और GOT dt, ये आंसर भी हो सकता है या फिर यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव किया हुआ भी मिल सकता है, जैसे हम वो भी देख लेते हैं, तो GOX इक्वल टू माइनस का 1 यहाँ पे प्लस 0 to x और t माइनस का 2x, इस प्रकार से भी मिल सकता है GOT dt, ये भी हमारे पास में क्या है, दोनों इसके आंसर है। अब यहाँ से आंसर दोनों के आ चुके, लेकिन जो यहाँ पे इस ये जो चेंज कर रहा था मैं इस प्रकार का dt² को x माइनस t में, तो वो किस प्रकार से करते हैं इसको आप नोट कर सकते हो, अब देखना वो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये देखना किस प्रकार से करते हो, हमारे पास में अगर कोई भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसकी लिमिट अगर a से x है, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है हमारे पास में, GOT कोई फंक्शन है और dt की पावर अगर n है, यानी कि ये n ऑर्डर का क्या है इंटीग्रेशन है अगर हमारे पास में, तो इसको लीनियर ऑर्डर में किस प्रकार से चेंज कर सकते हो, इसको लीनियर इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, लिमिट सेम रहेगी, फंक्शन भी क्या रहेगा हमारे पास में सेम रहेगा GOT और dt, ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे,
लेकिन जैसे यहाँ पे जो ये एन ऑर्डर आएंगे तो क्या रहेगा हमारे पास में, ये जो हायर जो ऑर्डर वेरिएबल लिमिट है वो क्या होगी, इसमें से हमारे पास किसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना ऑर्डर था हमारे पास में, एन ऑर्डर था, तो इस एन में से एक माइनस करेंगे, एन माइनस वन। और अपॉन में क्या रहेगा हमारे पास में, जो एन माइनस वन क्या है इसका फैक्टोरियल रहेगा, यानी कि एन माइनस वन का फैक्टोरियल। आप इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हो, एन माइनस वन को इस प्रकार से फैक्टोरियल में दर्शा सकते हो। तो ये क्या रहेगा हमारे पास में, एन माइनस वन का फैक्टोरियल रहेगा, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप नोट कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम में आएगा आपके। ए टू एक्स जी ओ टी डी टी की पावर एन इक्वल टू ए टू एक्स एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल जी ओ टी डी टी। जैसे हमारे पास में हमने दो क्वेश्चन में इस प्रकार से किया था, जी ओ टी डी टी का स्क्वायर अगर हमारे पास में आया था तो हमने किया था एक्स माइनस टी, यानी कि माइनस का टू माइनस वन जी ओ टी डी टी, और नीचे क्या आएगा टू माइनस वन का फैक्टोरियल, यानी कि एक्स माइनस टी की पावर वन और एम वन का फैक्टोरियल भी वन। तो ये हमारे पास ने चेंज किया था। ये वीडियो समझ में आएगा तो इसकी क्वेश्चन आंसर करना, और नेक्स्ट जो कौन से क्वेश्चन है आपके डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, यानी कि इसमें जो पार्ट डेल्टा है सेकंड ए का, ठीक आप कर सकते हो। कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो गाइज अगर देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है तो वो कमेंट करके कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होता है।